पाएंगे, हम क्या करेंगे। 15 से 20 साल हो गया, हमें कोई नोटिस वोटिस कुछ नहीं मिला है। जहाँ भी गरीब देखा जिसके पास 2 मरले 1 मरले का जमीन है, बस उठाया और फेंक दिया बाहर उसको बेचारे। सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारी जमीन हमारा हक हमारा हक हमारा हक। हमारी जमीन पर हमारा हक हमारा हक। अब इतना मुसीबत फंस देगी तो मैं कहाँ पर जाएगी, क्या करूँ। नमस्कार, द वायर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम याकूत अली है। स्क्रीन पर अभी आपने जो विजुअल्स देखे ये हैं श्रीनगर के। श्रीनगर में लोगों के घर गिराए जा रहे हैं, वो घर जिस घर में वो 20 से 25 सालों से रहते आ रहे थे। लोगों का कहना है कि सरकार बोल रही है कि ये घर उनके नहीं है, ये सरकारी ज़मीनों पे बने घर हैं। वहीं सरकार का जो कहना है, जो वहाँ के लेफ्टिनेंट हैं मनोज सिन्हा, उनका ये कहना है कि किसी भी गरीब को परेशान नहीं किया जाएगा। ये जो डिमोलिशन चल रहा है ये सिर्फ उन लोगों के घर पे चल रहा है जिन्होंने सरकार की ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। हमारी इस रिपोर्ट में आपको जो गरीब लोग हैं जिनका ये कहना है कि ये इस जगह पर 20 से 25 साल से रहते आ रहे थे, उनसे हमारे रिपोर्टर फैज़ान मीर ने बात की और उनसे ये जानने की कोशिश करी क्या वो अवैध ज़मीन पर रह रहे थे या फिर उनके पास इस चीज़ का कोई लीगल प्रूफ भी था। क्या वो सरकार को किराया देते थे या फिर जिस जगह पे वो रहते हैं उनके किसी मकान मालिक को वो किराया देते थे। और हमने हमारी रिपोर्ट में लॉयर से भी बात करी, उनके जो लॉयर हैं, कि क्या वो इस चीज़ को कैसे देखते हैं। और हमने सरकार से भी बात करने की कोशिश की। ये बुलडोज़र उन गरीबों के घर पर चल रहा है जो इस घर में 20 से 25 साल से रहा करते थे। जब मीडिया कर्मी उन लोगों से पूछने गए कि आप आखिर क्यों रो रही हैं, आपका नाम क्या है, तो दहशत की वजह से उन्होंने अपना नाम भी बताना जरूरी नहीं समझा। आप इतना मुसीबत में फंस देगी तो मैं कहाँ पर जाएगी, क्या करूँ। आपको मेहरबानी, मैं भी दुआ को मेहरबानी करो, 3 बच्चों के लिए मेहरबानी करो। अरे क्या बोलूँगी, क्या चाहते हैं आप। मैं तो रहने के लिए आपको बस मांगेगी, मैं रहने के टाइम देगी, 2-3 साल मेरे को रहम करेगी तो मेरे बच्चा बड़ा हो जाएगी तो मेरे और कुछ नहीं मांगेगी आपको। बस मैं गांव में कुछ भी नहीं, मेरे पति को बीमार था, सारे पैसे कौड़ी सारे खत्म हो गया। मैं क्या करूँ, मैं यहाँ से कमाई नहीं करेगी तो मैं मेरे बच्चा भूखा मर जाएगी। अगर ये इलीगल जमीन है हमको प्रूव करके दीजिए ये इलीगल है, ये कैसे कह रहे हैं। कोई नोटिस नहीं दी गई, आज आ गए अचानक। हम भी मुलाजिम है, हम भी ड्यूटी पर जा रहे थे, ये आ गए और यहाँ से ड्राइव करनी शुरू कर दी। हमने इनको बताया हमारी जमीन वहाँ पर है, नहीं नहीं नहीं, जहाँ वहाँ पर दीवार दी गई है, फेंसिंग की गई है, उन्हें फेंसिंग, हाँ जिसमें डिमोलिशन की गई है। 72 का हमारे पास बया है, 72 का बाबा साहब ने उसको खुद प्रूव करके रखा है। उसके बाद हमने लाया, और साहब ने बोला है पिछले साल 1900 हमारे डैडी है 21 में ये लाओ शजरा उधर माफिया खान से, ये हमने उसने रिपोर्ट दे दिया, हमने उधर शजरा लाया अपने जमीन का, लेकिन इन्हें तो भी उसके बावजूद भी इन्हें गिराया। आज कह रहे हैं बाबा साहब आप आओ ऑफिस आओ, किस लिए आए। ये उस वक्त भी ये उनको ढूंढा जमीन है, हम कहाँ इंतजार, हमारा तो अपना जमीन है। परदेसी से बहुत झील है, 370 दौरा तोड़ा है, अपना जीव जान जान का बाजी लगा के आ रहा है, मगर हमने यहाँ से निकाला नहीं। क्यों निकालू तो निकालू, कहाँ जाऊँ जब अपना रहने का कोई जगह ही नहीं है। इसीलिए जब मरना है, जैसे ये मेरे भाईजान ने कफन पहना, उस जैसा कफन तो भाई ने पहन के देखा, मगर उस टाइम मैंने अपना जान का कफन पहन के जान का अंदर ही रखा, मगर यहाँ से मैंने नहीं लड़ा। क्यों लड़ू तो लड़ू, कहाँ जाके लड़ू जब रहने का जगह ही नहीं, रहने का तो मैं किस जगह रहा हूँ। कुछ नोटिस नहीं मिली, हम अपने अपने घर में काम कर रहे थे, इधर मजदूर काम कर रहे थे, हम घर में काम कर रहे थे, एकदम से आए बुलडोजर हमारे घर पे, हमारे दुकानों पे बुलडोजर चढ़ा दिए। आज हमें इधर हो गया 30 25 साल हो गए हमें एक ही जगह पर इधर महजून नगर में। हमें ना, हमने जब ये घर बनाया तब हमें सरकार कहा था, उसने तब मना क्यों नहीं किया जो ये गवर्नमेंट का ज़मीन है मत बनाओ। उस टाइम हमने घर बनाया, हम इधर बस गए, हमारा जो मकान शकन था हमने बेच बाच के सब हमने इधर लगाया अपने कारोबार में। अब एकदम से कल आए बुलडोज़र इनमें चढ़ा दिए। मेरी 4 लड़की है, 2 जवान है, 2 छोटे छोटे हैं, मैं इनको लेके कहाँ जाऊँगी। कल बुलडोज़र चढ़ा दिया, आधा तोड़ दिया, आधा हमारी वजह से नहीं तोड़ पाए। हमें ना नोटिस मिली है, ना हमें किसी ने बोला जो आपको ये तोड़ना है, हमें कुछ भी नहीं बोला, ना नोटिस मिला। कल हमारे इधर आए बुलडोज़र चढ़ा दिया, बोला आप यहाँ से निकलो, हमें ये तोड़ना है। हमें बच्चे लेके कहाँ जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, जवान लड़की है। मोदी साहब बोलते हैं जो बेटी बचाओ बेटी बचाओ, ये तो हमारी बेटियों को रास्ते पे ला रहे, ये कैसे बेटी बचा रहे, ये हमारी बेटियों को भी रास्ते पे ला रहे हैं। बेटी ऐसे बचाते, बेटियों को घर देते, बेटियों को रास्ते में कहाँ लाते। मेरे लड़की है, 2 लड़की जवान है, मेरे छोटी 2 लड़की है, मेरे पास 4 लड़की है, मैं इनको लेके कहाँ जाऊँगी। मैं दिन मजदूरी काम करती हूँ, दिन का कमाती हूँ, दिन का खाती हूँ, ऐसा हमें निकलेंगे निकालेंगे, हम कहाँ जाएंगे। ये उम्मीद नहीं थी हमें सरकार से जो हमारे साथ इतना जुल्म करे। ना नोटिस मिला हमें, ना कुछ बोला, बुलडोजर चढ़ा दिया, कहाँ का इंसाफ है। ये क्यों कर रहे हैं हमारे साथ। हाँ, कल इतना परेशान थे हम, कल से भूखे हैं हम कल से सब छोटे छोटे बच्चे लेके हम भूखे थे, कल से पूरा रात दिन भूखे थे, रात भूखे थे, इतनी परेशानी, दहशत फैल गया हमारे में। हम कहाँ जाएंगे, हम क्या खाएंगे, हम क्या करेंगे, हम रास्ते पर आ गए, हमारे सब तोड़ने के लिए आए, हम अभी क्या करेंगे। हमारे तो सब लूट के ही लेके जा रहे हैं, हम क्या करेंगे, चाहे हम छोटे छोटे बच्चे लेके। क्यों कर रहे हैं हमारे साथ ऐसा, हमें बख्श दो, हमें हमारे साथ ऐसा मत करो। कितना जुल्म चल रहा है, क्या करेंगे अब। बुलडोजर हम पे चढ़ना चाहिए पहले, फिर हमारे घर पे चढ़ना चाहिए, पहले हम पे चढ़ना चाहिए, फिर हम हमारे घर पे, वरना घर पे पहले चढ़ेगा हम रास्ते पे आ जाएंगे, उससे जो तो मौत ही बेहतर है। जब हम लड़की लेके कि मैं रास्ते में रहूंगी, मेरे पास घर है जो मैं उधर जाऊंगी, मेरा कुछ भी नहीं है, माँ बाप नहीं है, कुछ भी नहीं है, 4 बेटियाँ लेके कमाती हूँ खाती हूँ। आज मेरा घर तोड़ने आए, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। बुलडोजर आएगा पहले मुझे मानना होगा, फिर मेरा घर को तोड़ना होगा। श्रीनगर में चल रहे इस डिमोलिशन के खिलाफ जम्मू एंड कश्मीर किसान तहरीक पार्टी के लोग भी श्रीनगर की आवाम को सपोर्ट करने के लिए सड़कों पर उतर आए। था आज दिन के लिए यहीं पे नहीं रुकेगा। प्रोटेस्ट का यही मतलब है कि जो भाजपा सरकार पिछले कई सालों से और पर्टिकुलरली 3 सालों से जो कश्मीरी लोगों को जनरली वो डिसएनफ्रेंचाइज करना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के अवाम को, उसमें पर्टिकुलरली गरीब इंसान को बड़े डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करके अमीरों को छीना जाएगा और गरीब को नहीं छीना जाएगा। ये उसी तरीके से एक नया हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं जिस तरीके से उन्होंने पार्लियामेंट में तब बोला था हमने 370 हटाया, ये कुछ फैमिलीज़ का था। तो ऐसा नहीं है, आज सब लोगों को पता है कि 370 हटने के बाद आम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ क्या हाल हुआ, नए वादे जो किए थे वो कहाँ पे हैं। तो किसान तहरीक ने यहाँ प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट में 2 ही मेन रीज़न थे, एक सरकार ये सारे जो काले कानून ला रहा है उनको बंद करे, इवेक्शन ड्राइव बंद करे, लोग कश्मीर के लोगों को तंग ना करे। दूसरा, कश्मीरी आवाम को गुजारिश करते हैं पूरे जम्मू कश्मीर के आवाम को कि आप सड़कों पर आइए, जितना हम इनसे डरेंगे उतना ये हम पे हैवी हो जाएंगे, हमें इनके खिलाफ लड़ना ज़रूर पड़ेगा। क्योंकि ये खाली बीजेपी का अपना मैनिफेस्टो नहीं है, इसके साथ वर्ल्ड फाइनेंस कैपिटल मिला है, इंपीरियलिज्म मिला है, ये इंपीरियलिस्टिक प्रोजेक्ट है जिसमें इंडिया के कुछ क्लाइंट्स और कश्मीर जम्मू कश्मीर के कुछ बड़े लोग इन्वॉल्वड है, जिससे यहाँ के लोगों को डिसएनफ्रेंचाइज करके बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को ज़मीन देना बहुत ही सस्ती रेट पे। और अगर इनको इतना ही इन्फ्लुएंशियल लोगों को बाहर निकालना है तो बीजेपी में सारे तो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जिन्होंने ज़मीन खाई है, जम्मू में यहाँ पे हड़प कर दी है, उनको निकाले। ये आर्डर लाते हैं खाली डिवाइड करने के लिए और कुछ नहीं। पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। आप करें डिमोलिशन एक्सरसाइजेस, आप एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाए, हम आपको नहीं रोक रहे हैं कि आप मत करें, आप किसी को सरकारी जमीन खाने दें, बिल्कुल हम ऐसा नहीं कह रहे, बट इसमें एक प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए जो कि अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो कि हो रहा है। एक हौच पौच तरीके से ये लोग कहीं भी आ जाते हैं बुलडोजर लेके, विच इज नॉट राइट। अब मैं आपको एक कुछ एग्जाम्पल्स दे देता हूँ इसमें। देखिए, अभी रिसेंटली हमने देखा आफ्ताब मार्केट का जो सीन हुआ, दुकानें सील हुई, ऑल दो फिर जब एडमिनिस्ट्रेशन ने, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंची मीडिया की वसादत से ऑब्वियसली, तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका कॉग्निजेंस लिया और अगले पल ही वो दुकानें अगले दिन ही इन्होंने अनसील कर दी, राइट, जस्ट फॉर द रीजन कि ये पर्टिकुलर जो दुकानें थी दीज वेर अलॉटेड शॉप्स बाय द श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ऐसा ही एक मंजर हमें देखने को मिला एस्टेट रामपुरा में, एक इन्होंने बिल्डिंग सील कर दी, तो उस पर भी मैंने बहुत सारे मीडिया बाइट्स मैंने खुद दी है क्योंकि उस केस के साथ मैं पर्सनली वाबस्ता हूँ। तो वहां पर भी वो जो पर्टिकुलर जमीन है वो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा अलॉट की गई है 2004 में, उसको भी आपने सील कर दिया। तो खुदारा सबसे पहले इस एक्सरसाइज को आप स्टार्ट करो, आप एंटी एनक्रोचमेंट राइट चलाओ, मगर आपके पास इसके ये जो आपके पास रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड ही नहीं है आपके पास, यू आर शॉर्ट ऑफ रिकॉर्ड। किस बंदे का अलॉटमेंट है, किस बंदे की कौन सी जमीन है, किस बंदे का क्या है, आपके पास किसी भी चीज का रिकॉर्ड नहीं है। और आप कहीं पे भी पहुंच जाते हो सीलिंग करने, कहीं पे भी पहुंच जाते हो बिल्डोजर लेके, ठीक है। ये तो एक साइड हो गया। दूसरा साइड अगर देखा जाए, ये जो ये एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है, जैसे एलजी साहब के कंप्लीट डायरेक्शंस, क्लियर कट डायरेक्शंस है कि आप किसी गरीब को मत छेड़िए, ठीक। अब यहाँ पर ये देखना है कि व्हाट डिफाइंस गरीब, गरीब की डेफिनेशन इनकी नजर में क्या है। अब यहाँ पर ये डिप्टी कमिश्नर्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनका डिस्क्रिशन है इस पर्टिकुलर चीज पे कि वो गरीब को कैसे डिफाइन करते हैं। और मेरी नजर में दिस इज अ करप्ट प्रैक्टिस, ये करप्शन का एक सोर्स है। पहले तो ये देखना हमें लाजमी है कि एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के नाम पे, राइट, इस ड्राइव को सबोटाज करने की कोशिश कौन कर रहा है। देयर आर मेनी ग्रुप्स, देयर आर, इनफैक्ट मैं नाम नहीं बोलना चाहता हूं, आपके मीडिया की वसादत से मैं एलजी साहब से ये भी बोल दूं कि कुछ न्यूज एजेंसीज भी इसमें करप्ट प्रैक्टिसेस कर रही है। एक वो लूट मचाने का सोर्स बना दिया है कि जी हम आपके खिलाफ जो है ये न्यूज चला देंगे दैट यू आर ऑन स्टेट लैंड, अगले पल एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगी और आपको सील कर देगी। यू वोंट बी इवन गिवन अ चांस ऑफ राइट टू बी हर्ड, आपको नोटिस भी नहीं जाएगी। अभी आज के टाइम पे क्या हो रहा है, इफ यू हैव टू डिमोलिश एनी प्रॉपर्टी, इफ यू हैव टू सीज एनी प्रॉपर्टी, लॉ सेज आप प्रॉपर एस्टैब्लिश्ड जो लॉ में चीजें हैं आप उसको फॉलो करो। वो क्या क्या है, सबसे पहले आप नोटिस दीजिए। आपको डिमोलिशन करना है, आप डिमोलिशन नोटिस दीजिए। आपको सील करना है, आप शो कॉज नोटिस दीजिए कि हम आपके स्ट्रक्चर को सील क्यों ना करें, ठीक है। यू आर हियर बाय डायरेक्टेड टू शो कॉज विद इन 5 days, 6 days, 7 days, अदरवाइज हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उसी शो कॉज नोटिस में सरकार के पास, किसी के पास डॉक्यूमेंट होंगे, किसी के पास अलॉटमेंट होगी, कुछ लोगों के इंतकालात हैं, कहीं पे एडमिनिस्ट्रेशन का अगर फेलियर रहा है इस एक्सरसाइज को करने में, या कहीं पे अगर कोई कंफ्यूजन है जैसे आफ्ताब मार्केट में हुआ, जैसे रामपुरा में हुआ, वो कंफ्यूजन इन नोटिस की वजह से कम हो जाएगी। सलमान साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, ये जो कश्मीर में डिमोल्यूशन चल रहा है इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि सरकार का ये कहना है कि किसी भी गरीब का घर नहीं गिराया जाएगा। दूसरी तरफ जब हमने लोगों से बात की तो हमें पता पड़ा कि काफी ज्यादा गरीब वहां पर परेशान हैं और सरकार ये कह रही है कि ये जो अवैध कब्जा है ना, उन लोगों के घर गिराए जाएंगे। इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आपका भी जो प्रॉपर्टी है उसको भी डिमोलिश किया गया है। मैं ये कहूंगा कि ये सरकार को कोई पॉलिसी नहीं है, सरकार क्लूलेस है इस चीज को लेके, उनको क्या करना है। उनके पास एक रोड मैप नहीं है। वो जहाँ दिल मुआरेंगे उनका करता है डोजर निकाल के लेने का, वहाँ वो डोजर ले जाते हैं और अपने मन मुताबिक लोगों को जो ये है उनके घर बुलडोज करके आते हैं। कोई भी फॉर्मल लिस्ट नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट का फॉर्मल ऑर्डर नहीं है कि इन लोगों के घरों पे डिमोलिशन होने वाला है। गोया कि वो बात दूसरी है कि पहले जिसके घर में भी डिमोलिशन होता है उसको पहले प्रायर नोटिस मिलना चाहिए। अगर मैं अपने ही केस की बात करूँ, मुझे कोई प्रायर नोटिस नहीं मिला है। इनफैक्ट जो फेक लिस्ट जो सर्कुलेट आगे पीछे हो रही है, जो लोगों को परेशान कर रही है, हमारा तो उस फेक लिस्ट में भी नाम नहीं था। लेकिन वन फाइन मॉर्निंग जब हमारे घर में कोई भी नहीं था, एक हमारा डोमेस्टिक हेल्प हुआ करता है वो था, वो भी बहुत छोटा है उम्र में, तो हम सब आउट ऑफ स्टेशन थे और बुलडोजर एक नहीं, दो नहीं, तीन आए। और जब तीन बुलडोजर ने तीन तरफ से दीवारें गिराई, एक आउट हाउस गिराया, गार्ड रूम गिराया, तो उसके बाद जब उनका दिल नहीं खुश हुआ तो उसके बाद उन्होंने एक बड़ा सा क्रेन लाके इस डिमोलिशन साइट के ऊपर से चढ़ाया। ये अलाउ नहीं किया गया कि वो हम सामान अपना बाहर निकाल सके। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब मैं कहता हूँ हमें प्रायर नोटिस नहीं दिया गया, और उसके साथ साथ जो हमारा राइट टू एक्सेस हमारे घर के लिए है वो राइट टू एक्सेस हमारा खत्म किया गया। जो हमारा गेट था सबसे पहले वो डिमोलिश किया गया। सो व्हाट आई मीन टू से इज कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड थी और बहुत ही ज्यादा एक मोटिव के तहत ये डिमोलिशन ड्राइव जो थी हमारे घर में शुरू की गई। जहां तक आम कश्मीरी की बात है, जहां तक आम लोगों को सताया जा रहा है, उसमें भी एक मोटिव है। मैं समझता हूँ, ये मेरी जाती राय है, एक पॉलिटिकल मोटिव है सरकार का। मे भी आने वाले इलेक्शंस में वो लोगों को तंग करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि आप एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट करिए नहीं तो आपको ऐसे हरास किया जाएगा। और हमें इसे दबाया जा रहा है कि इनको पता है, इन लोगों की एक इमेज बनी है लोगों में, तो हमें हमारी इमेज डेंट की जाने की कोशिश की जा रही है। सो टू बी प्रिसाइज, बाय ऑल मीन्स ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ये जो डिमोलिशन ड्राइव है ये कानून के जो दायरे से बहुत दूर है। इस पर किसी भी तरीके से कानून को फॉलो नहीं किया जा रहा है, सिर्फ लोगों को सताया जा रहा है। दुनिया की कोई भी सरकार जो होती है वो लोगों को सुख शांति देने के लिए होती है, आराम देने के लिए होती है। ये दुनिया की ऐसी पहली सरकार है जो लोगों को बेघर करती है, ना कि लोगों को घर देती। सर मेरा एक सवाल आपसे ये भी रहेगा कि क्या सरकार आपको इसलिए टारगेट कर रही है क्योंकि आप वहां पर पहले मेयर रह चुके हैं, और दूसरा जो कानून जो कहता है वो ये कहता है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी इलीगल है, सरकारी जमीन पर बनी है, तो उसको पहले नोटिस दिया जाएगा। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आपको नोटिस दिया गया था? बिल्कुल, आपको जानने का हक है और हर एक को जानने का हक है। हमें कोई भी नोटिस आज तक नहीं दिया गया है किसी भी चीज का। हमारे पोजीशन में ये प्रॉपर्टी जो है, जिसके मेरे पास लीगल डॉक्यूमेंट्स है, जो भी मेरे पास लीगल डॉक्यूमेंट्स है, अगर आपके कैमरा पर मैं ला सकता हूँ, ये जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है, जो कोर्ट रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स है, वो मेरे 3 कनाल और 18 मलबे के डॉक्यूमेंट्स है इसमें। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, मेरा राइट टू एक्सेस बिल्कुल एयरपोर्ट रोड के साथ बनता है। जब भी डिमोलिशन ड्राइव स्टार्ट हो गई तो इन्होंने पहले ही मेरा एक्सेस खत्म किया, जो मेरे को कानूनी एक्सेस है, जो मेरे को जज ने कोर्ट में रजिस्टर करके एक्सेस दिया हुआ है। तो कोई लीगल नोटिस नहीं सर्व किया गया, सर्व करने की दूर बात रही, चस्पान नहीं किया गया। मैं तो ये कहता हूँ कि आप उस मॉर्निंग में भी आते हैं और कहते हैं कि डिमार्केटेड एरिया आपका ये है, वो सब नहीं किया गया। इस डिमोलिशन ड्राइव को सेंसेशनलाइज करने के लिए, पॉलिटिसाइज करने के लिए, एक हाई प्रोफाइल ड्राइव बनाने के लिए हमें टारगेट किया गया और हमारी इमेज को डेंट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आने वाले वक्त में शायद इलेक्शंस होंगे और वो एक पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप को खराब बनाना चाहते हैं, लोगों की नजरों में कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन अब ये टैक्टिक बैकफायर कर गया सरकार को, बैकलैश हो गया सरकार को, जहां इन्होंने ना अमीर गरीब और अवल कानून की नजरों में अमीर गरीब सब एक जैसे होते हैं। हर एक को मौका मिलना चाहिए अपनी बात रखने का, बोलने का। ये प्रॉपर्टी हमारे पोजीशन में पिछले 18 साल से है, इससे पहले जिनके पास थी उनके पास 45 साल से है। तो हर एक को राइट बनता है डॉक्यूमेंट्स चेक करने का। जो जिनसे हमने ली है उनको लेके हमारे पास मिला के ये प्रॉपर्टी पिछले 60 साल से हमारे पास है। तो ये पता चलना चाहिए कि अगर आपको कुछ करना भी है तो हमें लीगल नोटिस मिलना चाहिए। तो जैसे मैंने पहले ही कहा, कानून को बालातर रख के, कानून को साइड पे रख के पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिमोलिशन ड्राइव स्टार्ट की गई, जो मुझे लगता है बाय ऑल मींस एक पॉलिटिकल एजेंडा के तहत की गई। सर एक मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि जो अभी वहां पर चुनाव का माहौल सुनने में मिल रहा है कि कभी भी चुनाव हो सकते हैं, सरकार ये कहती आई है कि हम कश्मीर में रोजगार लाना चाहते हैं, दूसरी तरफ जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके घरों को गिरा दिया जाता है। जब मैंने हमारे जो रिपोर्टर हैं वहां पे उन्होंने बात करी लोगों से, तो वो काफी दुखी थे इस बात को लेके कि अब हम कहाँ जाएं। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए माइग्रेंट्स की हालत तो आप देख ही रहे हैं, अभी कुछ मारे गए बेचारे, बदकिस्मती की बात है। बहुत देर ये थम गया था ये सिलसिला, लेकिन वो दोबारा शुरू हो गया। और उसके बाद उनके जो सर्विस मैटर्स है, उनकी जो ट्रांसफर्स का मसला है, उनके जो रेजिडेंशियल अकोमोडेशन का मसला है, जो उनके बाकी इशूज हैं सरकार के पास, उनके TAD और बाकी चीजों को लेके कोई भी चीज एड्रेस नहीं की जा रही है। सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन की बात हो रही है, उनका नाम लिया जा रहा है, उन पे फिल्में बनाई जा रही है, उन फिल्मों पे करोड़ों रुपए अरबों रुपए कमाया जा रहा है। कश्मीरी पंडित लेकिन मर रहा है, गोली से भी मर रहा है और जिंदा भूखमरी से भी मर रहा है और डर से भी मर रहा है, वो शायद कल को मेरे साथ कुछ और हो जाए। तो वो तो आप हाल देख ही रहे हैं। बाकी जहां तक बात रही यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की या हाउसिंग देने की। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है दैट इज एट द हाईएस्ट लेवल जो आज तक का था, और लोगों को बेघर करने की जहां तक बात है, शायद ही कश्मीर की हिस्ट्री में ऐसा कभी हुआ होगा जो बुरा हाल आज है। लोगों के घरों में बुलडोजर जा रहा है और उनको बेघर किया जा रहा है। तो अगर ऐसे इलेक्शन लड़े जाते हैं तो शायद ये कोई नया फॉर्मूला होगा इलेक्शन लड़ने और जीतने का। क्योंकि सर अब आप जो है मेयर रह चुके हैं, तो मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि आपकी नजर में कितने जो डिमोलिशन हुए हैं वो आपको सही लगते हैं कि ये डिमोलिशन सरकार के सही हो, और एक आप नंबर देना चाहें कि हाँ इतना जो सरकार ने किया ये सही है, या आपको लगता है कि सारे जो डिमोलिशन हुए हैं वो पूरे ही गलत हैं? देखिए, मैं आपको अपनी एक बात कहूंगा, ये मेरा रेडी रेफरेंस है मेरे पास। मेरा गार्ड रूम था और मेरा वहाँ जो सिक्योरिटी क्वार्टर जो था जो डिमोलिश किया गया, अगर सरकार चाहती थी कि ये प्रॉपर्टी सेव रहे तो उसको नोटिस के बाद सीज कर सकते थे, और हमें कह सकते थे अगर आपको लीगलिटी लगती है तो हम डिसील करेंगे इसको, अगर नहीं तो हमें अपनी तहवील में लेंगे और इसको एक अच्छे यूज में लाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनको एक सेंसेशनलाइज करना था, पॉलिटिसाइज करना था, ड्रामेटाइज करना था, उन्होंने वही किया। ऐसे ही हर जगह हो रहा है। आप कश्मीरी को ये एहसास दिलाना चाहते हैं या मुसलमान को ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि आपको दबाव में रहना है और एक पावर है जो आपको दबाव में रख रही है। ये सही बात नहीं, ये जायज बात नहीं है। तो बाय एंड लार्ज ये दबाव की सियासत है, ये लोगों को परेशान करने की सियासत है, लोगों को टेरराइज करने की सियासत है। इसमें देखना है लोग झुकेंगे या नहीं झुकेंगे, वो आने वाला वक्त बताएगा, वो इलेक्शन रिजल्ट्स बताएंगे। नहीं सर, अगर फिर भी आप एक नंबर देना चाहें कि सरकार का ये जो डिमोलिशन था ये इतनी जगह सही था, क्योंकि आप मेयर भी रह चुके हैं इसलिए मैं आपसे जब सरकार के पास खुद नंबर नहीं है कि वो डिमोलिश कहाँ करने जा रहे हैं। बार बार सरकार को सभी स्टेक होल्डर्स ये कह रहे कि आप लिस्ट के साथ एक जेन्युइन लिस्ट लाइए पब्लिक डोमेन में, जिसे पता चले कि ये 300 500 600 घर डिमोलिश होने वाले हैं या ये लैंड अब रिट्रीव करने जा रहे हैं। ऐसी कोई लिस्ट पब्लिक डोमेन में है ही नहीं। वो शायद डर रहे हैं कि कोर्ट में जाएंगे इसका स्टे आ जाएगा, लेकिन स्टे भी कितनी देर आएगा? आप थोड़ी ना लड़ाई करने निकले हैं। स्टे आएगा 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, अगर किसी के पास 16 साल से तो 2 महीने का स्टे आ सकता है। अल्टीमेटली अगर गलत है तो गवर्नमेंट टेक ओवर कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट का इंटेंशन वो नहीं था। गवर्नमेंट का इंटेंशन था कि वो बुलडोज करे, इमोशंस को बुलडोज करे, सेंटिमेंट को बुलडोज करे, हमारी विल को बुलडोज करे। और जब ऐसा एक इरादा रखती हो सरकार तो इलीगली ही ये चीजें की जाती है। तो कोई लिस्ट कोई नंबर वहां मायने नहीं रखता है। So I guess there is no number, there is no list. So I cannot be precise about number. LG साहब ने 2-4 बार परसों से बोला कि जो गरीब लोग हैं उनको नहीं छुआ जाएगा, जिसके पास 2 मरले हैं, 3 मरले हैं, 5 मरले हैं। मैं ओवरऑल सिचुएशन बता दूंगा आपको श्रीनगर शहर। तो जिसके पास 2 मरले हैं, 3 मरले, 4 मरले, श्रीनगर में पहली बात यह है यहाँ पे किसी के पास सरकारी जमीन कनाल 2 कनाल 3 कनाल नहीं होगी जी। अगर किसी के पास होगी सरकारी जमीन स्टेट लैंड होगा, यही 2 मरले 4 मरले 5 मरले 3 मरले पास, उससे ज्यादा नहीं होगा। और गवर्नमेंट ने बाजार का ऐलान कर दिया है, तो वर्बल इंस्ट्रक्शंस है एलजी के। आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया में बहुत सारी चैनलों पे कि उन्होंने कहा कि इनको छेड़ा नहीं जाएगा। आप ये पॉलिटिकल लोगों को ऐसे ही निशाना करते हैं कि वहां जाते हैं उनकी वहां तोड़ फोड़ होती है, मगर बाद में उनके पास जमीनें निकलती नहीं है। अगर श्रीनगर शहर में इन्होंने किसी एनसी लीडर, किसी पीडीपी लीडर, किसी बीजेपी लीडर, व्हाट्सएवर किस पार्टी से बिलोंग करता है, अगर उनके पास गए भी वहां पे तोड़ फोड़ की, बुलडोजर चलाया, मगर जमीनें तो निकलनी चाहिए। अगर ये बोलते हैं कि बड़ी मछली को पकड़ना है, बड़ी मछली पे कार्रवाई होगी, वो तो हमें आम लोगों से कम उधर सरकारी जमीन उनके पास। अब ये कार्रवाई किस चीज के लिए करते हैं वो हमें भी समझ नहीं आता। आजकल कश्मीर में ऐसी सिचुएशन बन गई। मैं यहाँ पे कल एक स्पेस में डिबेट सुन रहा था, ट्विटर स्पेस पे। यहाँ के लोग आज बड़ी मुश्किल में हैं और ये कह रहे हैं कि हम एक जैसे किसान आंदोलन चला पूरे भारत में, वो इस पे भी अब आंदोलन शुरू करना चाहते हैं लोग। मैं जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूँ। अगर इनको लैंड ग्रैबर्स के पास जमीन है, जो भी हाई प्रोफाइल लोग हैं यहाँ पे, अगर उनके पास जमीनें हैं तो निकालते क्यों नहीं है? ये तो गरीब लोगों पे कार्रवाई करते हैं दिन भर। आपने सोशल मीडिया पे भी वायरल देखा होगा। आपने कब देखा इन्होंने किसी ऐसे शख्स को पकड़ा जिसके पास 200 कनाल 50 कनाल 100 कनाल जमीन निकली और वहाँ पे उसकी खबर बनी, वहाँ पे बोर्ड चढ़े। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्थिति की निगरानी कर रहे एक सीनियर ऑफिसर ने मीडिया को बताया अभी तक 700 करोड़ रुपए से भी अधिक की प्रॉपर्टी सरकार के कब्जे में ली जा चुकी है और इन्हें बहुत जल्द अवामी इस्तेमाल में लाया जाएगा। लेकिन जो वहाँ की आवाम है वो कुछ और ही मंजर बयां कर रही थी। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।